नाव के नीचे। हाँ नाव के नीचे बाबा के फोटो, जिंदा के फोटो है। जिंदा के और तीनों जो है राम लक्ष्मण जानकी, तीनों यहाँ से राजगीर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गौरी शंकर। तो देखिए हम लोग गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में हैं और चारों तरफ का व्यू आप लोग देख लीजिए। पिछले वीडियो का मैंने यहाँ पे एंड किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने इसको दूसरे पार्ट में ये डाला है। तो इस मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ भी पूजा किया जाता है। मेन शिवलिंग पर हमने पूजा कर लिया है और अब आए हैं जो और भी मंदिर हैं वहाँ भी। तो यहाँ भी देखिए भोले बाबा का एक छोटा सा शिवलिंग है और हर जगह हम लोग पूजा करेंगे। आप लोग भी दर्शन करते जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा दोस्तों। साथ ही न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करती रहूँ। मेरे साथ मेरे सर भी हर जगह पूजा किए हैं और यहाँ पे एक बाबा पूजा कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है यहाँ के बारे में, बताया कि ये जो बैकुंठ धाम है या इसका इतिहास रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। खास रोज दिन आप सुबह सुबह आते हैं? बारह मास बरसातों में, चाहे जा रहा हो चाहे बरसात हो, सब दिन अंदर भी पूजा करते हैं और बाहर भी, हर जगह फूल चढ़ाते हैं सब जगह डेली के डेली बारह मास। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइएगा बाबा, क्या पूछना चाहते हैं? सब कुछ बताएंगे। हाँ तो ये मंदिर के बारे में कुछ बताइए, पहले का इतिहास कैसे बना? का इतिहास तो इसका मंदिर का बहुत प्राचीन है, प्रसिद्ध है, प्राचीन इतिहास है, पुराना एकदम पुराना हुआ। ए, आपको जैसे आनंद रामायण अगर आप पढ़िएगा तो उसमें यहाँ का वर्णन है कि भगवान श्री राम जो है राम लक्ष्मण और जानकी के साथ रावण विजय करने के बाद जब अयोध्या आए थे ना, उसके बाद हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में जैसे एक ऋषि आए थे कुंभज ऋषि, उनको खाने के लिए हुआ जैसे कि भाई हमारा ही जैसे आप चौका में भोजन कीजिएगा, कहे कि नहीं करेंगे आपका भोजन, आपका आलू नहीं खाएंगे। क्यों क्यों? तो इसलिए कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो पूछूं कि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे कैसे लगा? तो कहेंगे ऐसे आप रावण के पूरे वंश को मारा है, तो रावण ब्राह्मण था। हाँ रावण ब्राह्मण थे, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हाँ तो पूछे कि भाई ब्रह्म हत्या हमारा दूर कैसे होगा? वही कहीं कैसे आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं उस सभी तीर्थों का भ्रमण कर करके आप वहाँ अपना पूजन कर लीजिए, तब आपका दूर होगा। उसी दरमियान भगवान जब चारों तरफ पूरे भारत में तीर्थ सब घूम रहे थे तो क्या बोलता है गंगा जी उस पार जो है नदी के उस पार सोनपुर जो है ना उधर दिया दियारा सोनपुर कौन बाबा है? हाँ हर बाबा हरियाणा हरियाणा बाबा हरियाणा और गंगा के इस पार जो है से बैकुंठ नगर नगर और ये तीनों जो है से राम लक्ष्मण जानकी तीनों यहाँ से राजगीर गए हैं और राजगीर से गया जाके अपने पितरों का पिंड दिए हैं। तो इसका इतिहास तो एक इतिहास है जो आपको रामायण में वर्णित है। दूसरा इतिहास है कि अकबर के शासनकाल में बंगाल में विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह हुआ था तो विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने तो मान सिंह को भेजे थे। तो मान सिंह का जो है जहाज कही उस वक्त का जहाज फंस गया। हाँ अब कितना प्रयास नहीं निकल रहा। रात में जैसे मान सिंह को स्वप्न हुआ कि हमारा यहाँ पर जैसे जीर्णोद्धार करो हमारे मंदिर का। तो राजा को उस वक्त का बात था जैसे हमारा फायदा सब खोजने लगा। तो यहाँ पर जैसे बाबा गौरी शंकर मिल गए। हाँ तो पूजा कर करके मान सिंह कहा कि हे बाबा हम तो अभी बंगाल विजय करने जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे तो आपका एक हम विशाल मंदिर यहाँ बनवाएंगे। तो अभी तो आप ये मंदिर देख रहे हैं बना हुआ, ये राजा मान सिंह का बनवाया था। मान सिंह का जी हाँ 1600 लगभग 1600 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। लेकिन मंदिर हाँ
लेकिन मूर्ति जो है 1916 नहीं 1608 से सोलह हम सोचे कि 1916 नया मंदिर 1916 तो अभी हो गया ये सब जो प्लेस है वहाँ से जब बंगाल गिर करके आए थे तभी बनाए थे और तरफ जो है उसको हम लोग सतकमरवा बोलते हैं वहीं जो है उनका माँ रहती थी मानसिक इस तरह हाँ वो सामने जो सतकमरवा है ना वो वहीं जो है माँ रहती थी वहीं उनका देहांत भी हुआ है उनकी माँ का जो है समझे ना और यह मंदिर बनाने के बाद लगभग 112 बीघा जमीन मंदिर में उसको किराए में परमाना दिए लेकिन सब जमीन जैसे जैसे आपको मात्र बाउंड्री जो है वही है वही है बाकी जी बाबा आपका नाम क्या हुआ हमारा नाम सुरेंद्र सिंह उर्फ गेटन सिंह सुरेंद्र तो ये बाबा रोज आते हैं सुबह और ऐसे भी मैं मंदिर का मैं कोषाध्यक्ष हूँ कोषाध्यक्ष हैं जी तो इनसे बातें हुई और इन्होंने इस मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी आशा है आप सबको पसंद आई होगी तो चलिए आगे चलते हैं और ये यहाँ पे एक नैया बाबा भी है ना बाबा हाँ नैया बाबा का बना हुआ राज है उसकी भी एक कहानी है सुने तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं नैया बाबा के पास और यहाँ पे भी माता रानी का मंदिर है तो पहले माता रानी के मंदिर में सब पूजा करते हैं उसके बाद नैया बाबा की पूजा करते हैं तो पहले मैं यहाँ कर लेती हूँ उसके बाद चलेंगे नैया बाबा के पूजा करने के लिए आप लोग वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए नहीं हुमाद खल आप यहाँ डेली पूजा करने आते हैं भाई कटेपुर घर है माता रानी के पास ही है नीम का पेड़ तो यहाँ भी पूजा कर लेते हैं और ये रहे नैया बाबा तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है ऊपर नाव पे चढ़ने के लिए और नाव पर ही महाराज सच्चिदानंद का जो है मूर्ति बनाया हुआ है और उसको शीशे में पैक किया गया है तो सब बाहर से ही पूजा कर लेते हैं यहाँ पे देखिए नैया बाबा हैं इनकी भी एक कहानी है तो कोई मिलते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी और इधर देखिए इधर है गंगा जी तो गंगा जी भी बढ़े हुए ना गंगा जी अभी बड़े हुए हैं तो देखिए सब पानी में घुस घुस के जा रहे हैं सारे रास्ते जो हैं डूबे हुए हैं इस तरह गंगा जी तो बहुत दूर है लेकिन अभी बाढ़ का पानी आया हुआ है ना इसलिए पूरा भरा हुआ है तो देखिए कैसे सब आ जा रहे हैं कि गाड़ियां भी यहां पे फंसी हुई रास्ता है पक्का रोड है पक्का रोड है पक्की रोड है ऊपर जाने के लिए और फिर भी मतलब बाढ़ का पानी आ गया तो कुछ इस तरह से और आसपास का व्यू देख लीजिए यहाँ पे देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नैया बाबा लिखा हुआ है स्मारक स्थल ये नैया बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं क्योंकि ये नाव पे हैं बनाए हुए देखिए नाव बना हुआ है नैया बाबा इसलिए नैया बाबा इनका नाम पड़ा है और सामने बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है देख सकते हैं यहाँ भी पूजा होती है तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे पूजा करने के लिए सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों इसलिए देखिए यहाँ पे अभी झाड़ू ही लगाया जा रहा है और बाबा बोले हैं कि झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करने के बाद कुछ बताएंगे नैया बाबा के बारे में तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा तो दोस्तों ये रहे सच्चिदानंद सरस्वती उर्फ नैया बाबा उनका यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है और बहुत अच्छे से पैकिंग की गई है शीशे में बाहर से सब पूजा करते हैं बाबा अभी झाड़ू लगा रहे हैं फिर हम उनसे भी बातें करेंगे आपका नाम क्या हुआ बाबा राम बालक गो राम बालक गो घर कहाँ हुआ बाबा बैकटेपुर खास आप सेवादारी करते हैं डेली हम बाबा के 42 बरस जिंदा में सेवा करते हैं 42 बरस से कर रहे हैं हां अभी तक उनका कर रहे हैं तो ये नैया बाबा की कुछ कहानी होगा जो बताइए हां नैया बाबा की कहानी तो ही है वो पेड़ के ढेर को चल है बाबा को पहले गंगे में से निकले थे हमारा दादा बाबा कहते थे दादा बाबा की कहानी कहते हैं हाँ तो जब वो गंगा जी बीच धारा में निकले थे हिया था जैसे करके अपनी गंगा जी कहते हैं तो कम जल है वो जल था बहुत विशाल जल था कोई नहीं आ गया नहीं था बाबा माघ महीना निकल से गंगे छोटा वो बालक यहाँ से जो लोग देखते
उधर खुसरूप हाँ भांस के भांस के माने दहल 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 दो आदमी दह के मतलब उधर चल गए हाँ उसने बाद कुछ मिल है वो डूबने लगे बाबा को मिल है ध्यान दे हम लोग बच गए अब उसके बाद इतने जल हो गया गंगा जी को मैंने यह हो गया उनका पैर हुआ कि जब छोड़ मैंने मट्टी हो मट्टी पर पैर गया उसके बाद वहाँ से पैर लिया बाबा भी गया तो हम जाते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण भगवान के सर पर बैठे हुए हैं बाबा देखने के लिए बाबा उसको बालक हम सोचे कि कहीं से घास भाँस के आया है तो भगवान जी भगवान जी जाके सत्कान गणवत की आ रहा है नाम बात दिया मैंने मैंने उसके बाद कुछ बोला ये लोग कहें बाबा हम भूखे हुए हैं हमारा गौ गोरू सब भूखा हुआ है बाबा ये हमारा कुछ बोल है सारा दिराई खौ को उसमें गंगा जी का पाठ है ये मट्टी हो जाता है बाबा तो हम भी जीते और गौ गोरू इसका कहने का अर्थ हुआ बाबा कि मट्टी होता तो हमने घास भूसा बुनते धान गेहूँ उपजाते खाते पीते हाँ हाँ बाबा कहें कि ना चिंता ना करो बालू पर लिख दी बोली नहीं हाथ से लिख बालू पर लिख दी नारायण चिंता ना करो ये कुछ और गंगा मट्टी दे देंगे चलिए बाबा इतना जानकारी दे दिए काफ़ी है चलिए अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए जय चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों नैया बाबा के बारे में बाबा ने जानकारी दी और ऐसे तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता था लेकिन इन्होंने बहुत विस्तार से बताया तो इनके लिए मैं दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ और बाबा यहाँ साफ सफाई करते हैं पूजा पाठ करते हैं 42 बरस से मतलब जवानी से ही सेवा करते आ रहे हैं तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम लोग हमारा पूजा वगैरह हो गया अब चलिए थोड़ा बहुत और घूमेंगे मंदिर उसके बाद चलेंगे घर यहाँ भी बाबा हैं यहाँ कभी आए नहीं है नीचे तक अरे हाँ इधर ही हैं सोम बाबा हैं सोम बाबा नाव के नीचे हाँ नाव के नीचे बाबा के फोटो जिंदा के फोटो है सोम बाबा कौन थे सोम बाबा कौन थे मैंने सोम बाबा हैं ये मैंने कि सोम मैंने कि बाबा हैं भगवान सोम बाबा हैं भगवान जी हैं वही बाबा हैं अरे धरती पे भी जन्म लिए थे गंगा में से निकले गंगा में से निकले गंगा जी से गाँव का बाबा निकले ये बाबा पहली बार हम देख रहे हैं हम लोग आकर ऊपर पूजा करके चले जाते थे पूजा करते थे इसका मतलब बाबा भी नीचे बैठाए हुए हैं बाबा इसी में रहते हैं आप इसी में रहते हैं देखते हो कपड़ा लत्ता सब बाबा का पीछे रहते हैं बाबा के बिछा हुआ है क्योंकि सोम बाबा ना रात दिन स्वयं बाबा वही हैं वही मैंने स्वयं मैंने कि बाबा वही स्वयं मैंने बाबा हाँ स्वयं बाबा मैंने वही आदमी स्वयं मैंने खुद हाँ खुद वही बाबा हाँ तो वो तो कुछ बोले वहाँ बाबा के फोटो लेके काशी से वो आया है मैंने पत्थर के ना है ये है जो स्वयं बाबा के रूप है स्वयं स्वयं हाँ मैंने खुद अपना खुद अपना स्वयं बाबा चलिए स्वयं बाबा के भी हम लोग दर्शन कर लो इनका नाम था सत्यानंद सरस्वती सत्यानंद सरस्वती ऊपर लिखा हुआ सच्चिदानंद सरस्वती हाँ ऊपर नैया बाबा पर लिखा हुआ है वही है हाँ खुद है मतलब नीचे और ऊपर नाव बना हुआ है तो देखिए बड़े बुजुर्ग से मिलने का यही फायदा होता है जो कहानी हम लोग नहीं जानते हैं ये बाबा बता दिए हम लोग आते थे बहुत बार पूजा करने के लिए और पूजा करके चले जाते थे नैया बाबा के बारे लेकिन ये नहीं पता था कि स्वयं जो हैं बाबा नीचे विराजमान हैं तो चलिए वहाँ क्या दर्शन हो गया अब चलते हैं मंदिर के अंदर चारों तरफ से मतलब कि निकास द्वार है गेट है तो अभी इस गेट से हम लोग चलते हैं हमारा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है बस थोड़ा बहुत घूमेंगे हम लोग क्या तो यहाँ पे देखिए उन्हीं के नाम पे धर्मशाला भी बना हुआ है स्वामी सच्चिदानंद परमहंस धर्मशाला और खुद उनका ये जो नाव वाला जो है यहाँ पे नाव विराजमान है नाव रूप में उनकी पूजा होती है चलिए अब चलते हैं मंदिर के थोड़ा सा अंदर चारों तरफ का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं छत से यहाँ हम लोग पहले बहुत बार आ चुके हैं मेरे परिवार में की शादी भी यहाँ हुई थी और अभी देखिए साफ़ सफाई चल रही है लगभग 8:30 हो रहे होंगे अभी साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है शादी ब्याह भी यहाँ पे होता है यहाँ आने के लिए पटना जंक्शन से आप ट्रेन पकड़ के खुसरूपुर स्टेशन उतर जाइए यहाँ से बहुत बगल में ही है किसी से भी पूछ लीजिएगा बैकटपुर मंदिर तो बता देगा शादी ब्याह में खाना बनता होगा ना चूल्हे पर
मिट्टी के चूल्हे। हाँ चलिए छत पे थोड़ा सा चलते हैं, छत से बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पे देखिए सफाई अभियान चालू है, जब से आए हैं तब से ये लोग लगे हुए हैं साफ करने में, डेली साफ सफाई होती है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों को, हर जगह तो पानी पानी है। ये देखिए छत पे आ गए हम लोग, यहाँ से देखिए ये मंदिर सामने दिख रहा है। पहले बहुत आते थे, बहुत, अब बहुत कम आते हैं। कोरोना के बाद आए हैं कहाँ, अरे तीन साल हो गया, तीन साढ़े तीन साल हो गया तब आए हैं हम लोग। यहाँ कबूतर आपको हमेशा दिख जाएंगे। चलिए बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितने सारे कबूतर हैं। मेन मंदिर जो है यही है, इस तरह से बना हुआ। चलिए अब चलते हैं नीचे, हम लोग पूरा मंदिर घूम चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग नीचे। तो दोस्तों हर जगह पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं, और बाहर में ये यहाँ पे शिव भगवान की प्रतिमा है, पहाड़ जैसा बनाया हुआ है इसका डिजाइन, और इस पर चढ़ के ही पूजा किया जाता है। तो यहाँ भी मैं पूजा करने आ गई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हों, आस पड़ोस के हों या दूर दराज के हों, तो वो लोग मेरी वीडियो के माध्यम से ये सब जानकारी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आप आ सकते हैं और रेल मार्ग से भी, तो पटना से ज़्यादा दूरी नहीं है, 35 से 40 किलोमीटर इतना ही है। तो आइए आप लोग यहाँ का दर्शन करिए, यहाँ सावन में और शिवरात्रि में खासकर मेला लगता है और बहुत भीड़ होती है लोगों की, लेकिन आज तो है उतनी भीड़ नहीं है, आम दिनों उतनी भीड़ नहीं रहती है। तो आज बहुत अच्छे से पूजा हो गई है हमारी। चूड़ा मेन होता है, चूड़ा और मकुंदाना, तो वही ले रहे हैं, और बिंदी भी दे दीजिए इसमें से। पूजा करने के बाद घर के लिए थोड़ा प्रसाद सबको लेते हैं, चूड़ा और मकुंदाना यहाँ का मेन होता है, और साथ में मतलब कि सुहाग की चीज़ें तो ली ही जाती हैं, किसी भी धाम पे जाते हैं तो सिंदूर और बिंदी जरूर लिया जाता है, तो वही यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। और कुछ लेना है? तो बस दोस्तों हम लोग यहाँ प्रसाद भी ले लिए हैं और अभी चलते हैं घर, छुट्टा नहीं है दुकानदार के पास, तो जा रहे हैं छुट्टा करवाने। तो हम लोग निकल गए हैं, और ये रास्ते में हरदास बीघा का सब्जी मंडी है। सुबह सुबह यहाँ सब्जी की भीड़ होती है, मतलब गांव देहात से सब सब्जी लाके मंडी में रखते हैं और बेचते हैं, तो देखिए कितनी भीड़ है अभी सुबह सुबह मंडी में। अभी हम लोग पूजा वगैरह करके आ गए हैं, बैकुंठ धाम का दर्शन हमने कर लिया, आप लोगों को भी करवा दिया, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। से अभी गाड़ी चढ़ा दिए, गाड़ी चढ़ा के हाथ में घूम रहे हैं, और अभी लगभग 9:30 हो रहे हैं टाइम। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा। बैकुंठ धाम के दर्शन मैंने किए और आप लोगों को भी करवाया है, तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का जहाँ मैं गई थी बैकुंठ धाम, और कैसा लगा आप सबको बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ ना मैं वो जल्दी से जल्दी आप सबके पास पहुँचे। और आप लोग अपना सपोर्ट कृपया करके मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ताकि मेरा जो है वॉच टाइम पूरा हो सके। तो चलो आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मैं विदा लेती हूँ आप सबसे और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।